أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 67 और 68 सीखेंगे। तजवीद के साथ शुरू करते हैं। मा का दोनों अलिफ मद्दा हैं, एक एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बे इब्राहीम बासाकिन पर कलकला होगा, रापुर भी पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर भी पढ़ा जाएगा। ही या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बे इब्राहीम यहूदियों यहू मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हरफ यरमलून में से वाव आया है, इदगाम माल गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहूदियों वला ला अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नस्रानियों स्वाद मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा, इसको हिलाना नहीं। रा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रापुर भी पढ़ा जाएगा ज़बर की वजह से। नियऊ तशदीद वाले हरफ को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ें ताकि तशदीद ज़ाहिर हो। तनवीन के बाद यरमालून का वाव आया है, इदगाम माल गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। नस्रानियऊ वलाकिन कान, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। किन नून साकिन के बाद हरूफ इकफा का काफ है, इकफा हकीकी होगा, उन्ना के साथ पढ़ेंगे। का अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। न को खींचना नहीं। हनीफम मुस्लिमा नी या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद यरमलून का मीम आया है, इदगाम मालगुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। सिन साकिन को हिलाना नहीं, और यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में दो ज़बर को बदल कर एक ज़बर के साथ वक़फ़ करेंगे, यानी एक ज़बर जब लगाएंगे तो अलिफ मद्दा बनता है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। मिलाने की सूरत में इदगाम मालगुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तनवीन के बाद यरमलून का वाव आ रहा है, तो वक़फ बिल इब्दाल यहाँ पर होगा, यानी तनवीन को बदल कर ज़बर के साथ हम पढ़ेंगे। मा कान इब्राहीम यहूदियं वला नस्रानियं वलाकिन कान हनीफं मुस्लिमा दोनों को एक एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिनल मुशरिकीन रोज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा, की या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा, वक़बिल इस्कान होगा, मद्दुल आरिज वक्फी होगा, 3 से 5 अलिफ या 3 से 5 सेकेंड खींच कर वक़फ़ करेंगे। मा कान मिनल मुशरिकीन इन औलन नासी, नून मुशद्दिद पर गुन्ना होगा, यहाँ पर भी नून मुशद्दिद के ऊपर गुन्ना होगा। औलिन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे।
अलिफ मद्दा भी बनता है, ना अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। इन औलन्नासी बि इब्राहीम, बा साकिन पर कलकला होगा, हरूफ कलकला पाँच हैं, कौफ तो बाजीम दाल, और खड़ी ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। ही या मद्दा है, इसको भी एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लल्लज़ीन, ज़ी या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नत्तबउहु, ओ वाउ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वहाज़न्नबी, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दिद पर गुन्ना होगा। नबीयु, बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। वल्लज़ीन आमनू, ज़ी या मद्दा है, नू वाउ मद्दा है, दोनों को एक एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत यानी खड़ी ज़बर है, इसको भी एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और नू वाकफ की सूरत में भी एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और मिलाने की सूरत में भी एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर मिला कर पढ़ेंगे। इन औलन्नास बिइब्राहीम लल्लज़ीन اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين। والله अल्लाह का लाम ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा, इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। ولي المؤمنين, तशदीद वाले हरफ को सख्ती से पढ़ें ताकि तशदीद ज़ाहिर हो, लाम साकिन को हिलाना नहीं। मुमिनीन, हमज़ा साकिन को झटके के साथ अदा करेंगे। नी या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा, वक़फ़ बिल इस्कान होगा, मद्दुल आरिज़ वक़फ़ी होगा, तीन से पाँच अलिफ या तीन से पाँच सेकेंड खींच कर वक़फ़ करेंगे, मद्दुल आरिज़ वक़फ़ी होगा। वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन। आज का सबक हमारा यहाँ तक है, एक बार मैं मिलाकर पढ़ता हूँ। मा काना इब्राहीमु यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। إن أولى الناس بإبراهيم وللذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم। غلطي كوتاهي معاف، تيك كير، خدا حافظ.